भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कितनी तेज बारिश है आज। अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो भीगी गई होती। थैंक यू। ये किनकी प्रतिमा है जानती हो? हाँ, ये प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया है। वेरी गुड। और क्या जानती हो इनके बारे में? हमें कोर्स में बस इतना ही सिखाया है। जिनकी वजह से आज तुम बारिश से बची हो और जिनके संविधान की वजह से पूरा देश बचा हुआ है, उनके बारे में बस तुम इतना ही जानती हो? हमने बस इतना ही पढ़ा है। अगर आप इनसे ज्यादा जानते हैं तो हमें बताइए ना। जरूर बताऊंगा। संविधान की रचना तो इनके योगदान का एक पहलू। इन्होंने समाज के हर उस तबके के बारे में, उनके विकास के बारे में लोगों को बताया, जागरूक कराया। और कहते थे, अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। राष्ट्रवाद तभी अपना औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, धर्म, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। इस देश को अगर खुशहाल होना, विकसित होना है, प्रगति करना है, तो बाबा साहब के विचारों का अनुसरण करना ही होगा। बाबा साहब भी तो भीग रहे, हम क्यों नहीं? बेटा, इस बारिश के साथ तो बाबा साहब का जन्मदिन आता है। हाँ, वो भी एक ऐसी तूफानी रात थी, बेमौसम बरसात वाली। 14 अप्रैल 1891 जब बाबा साहब का जन्म था। Oh!
नहीं नहीं बस 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 नहीं बस डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, ये तो बंद है, डॉक्टर जी घर पे रहेगी। बस 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 नहीं माँ आता ही होगा बस तुम दोनों मत रो बाबा गए हैं ना डॉक्टर मैम को बुलाने डॉक्टर जी, दरवाजा खोलो। इतनी रात को बारिश में कौन आया? लगता है कोई बीमार है। डॉक्टर जी। कौन है? अरे ये तो सूबेदार रामजी सतपाल है। इतनी रात को? ये लोग अंग्रेजों ने आर्मी में रैंक देकर इनका दिमाग खराब कर दिया है। अरे जिसकी परछाई पास ना आने दे उनको चलकर इतनी रात को दवा दो। अरे मारो गोली, सो जा आके। डॉक्टर जी। लेकिन वो दरवाजा पीट रहा है। पीटने दो, पीट पीट के थक जाए तो अक्ल आ जाएगी, चला जाएगा। सुबह कर पूछेगा तो क्या कहेंगे, सूबेदार है। कह देना आंधी तूफान के शोर में आवाज नहीं आई। अब सूबेदार है तो क्या हुआ, उसकी बिरादरी तो नहीं बदल गई। दरवाजा खोलो डॉक्टर जी, मेरी बीवी बेड से है, दर्द चालू है, वो मर जाएगी, मेरी बीवी बच्चे को बचा लीजिए। अरे जिसका छुआ लोग पानी नहीं पीते, तुम जाके उसका बच्चा पैदा करोगे? मरना है तो मर जाएगी, सो जाओ। डॉक्टर जी डॉक्टर जी, दाई माँ, हाँ, इस बार नहीं बचूंगी, बहुत दर्द। अरे डॉक्टर नहीं आए क्या? नहीं बुआ। जाओ जाके देखो कहाँ रह गए। मैं देखता हूँ। ताई, ताई दरवाजा खोलो ताई। जाओ बस मेरा साथ। ताई, मेरी बीबी, जल्दी चलिए। पापा, जल्दी चलिए। आई को बहुत दर्द है, चलिए जल्दी। चलो बेटा, चलो दाई माँ चलो। मीना, डॉक्टर ने नहीं आई? नहीं, ताई आई है, उन्हें देखो। ताई अंदर आ जाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी। हे ऊपर वाले, रक्षा करो, तेरा में से हार्ट तो आपने पहले ही छीन लिए है, ये 14वां है, इसे जीवन दो। बस ताई आ गई हैं, बस
सूबेदार साहब, आपके घर वाली की हालत सही नहीं है। जच्चा बच्चा दोनों जान खतरे में हैं। डॉक्टर ने को बुला के लाओ। ताई मैं गया था, बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्होंने खोला नहीं। ताई पापा आप ही कुछ कीजिए। चला नंदा। ये कौन आया? इसके आते ही सब कुछ शांत हो गए। अरे सुबेदार साहब, मिठाई बांटिए, बेटा हुआ है। बाबा आई। सब ठीक है। पता है तुम्हारा छोटा भाई आया है और आते ही उसने बारिश तूफान सब बंद कर दी। मैंने तो पहले ही इसका नाम सोच रखा है। इतनी मुसीबत से लड़की आया है, इसलिए तू भीमा बाई का बेटा भीम है। मुझे भी देना, मैं भी तो पूछू इससे, इसने आते ही आंधी तूफान बंद कैसे कर दिए। संभालो ना। भाव, 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 प्रसव वाले कमरे से बच्चे को बाहर नहीं ले जाते। दुनिया देख, देख दुनिया। आधी रात को दुनिया दिखाओगे, अंधेरे में क्या देख लेगा वो भाव? उजाला, अंधेरा चाहे जितना घना हो उसकी भी उम्र होती है,
उसे छटना पड़ेगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। भाव क्या करते हो, शांति रखो, जरा धीरे पढ़ने का। धीरे क्यों, बच्चों का सुनना तो पेट में ही शुरू हो जाता है, तो सुनना सीखना बंद क्यों। अच्छी बातें सुनने से ही संस्कार बनते हैं, अभी से सुनेगा तभी तो जानकार बनेगा। आप क्या चाहते हो, एक ही दिन में ज्ञानी महात्मा बन जाए? क्यों नहीं बन जाएगा, सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं अपने भीम को ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखना तुम, एक दिन अपना भीम बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। सुबह होते ही गिल्ली डंडा खेलने चले गए, लड्डू बन गए हैं, बांटने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा ना लड्डू बांटने, बांटने के बाद मिलेगा ना मुझे? सबको मिलेगा, जा देखा जा। सुनो, मुझे बताओ तुम ये लड्डू कैसे बांटोगे? कैसे क्या बाबा, एक तरफ से जितने घर है ना उन सब घरों में हम लड्डू बांटेंगे। नहीं नहीं, सबको नहीं और एक तरफ से बिल्कुल नहीं। बहुत ध्यान से मैं तुम्हें बताता हूं, इस घर में लड्डू बांटने हैं और किस घर में लड्डू नहीं बांटने। और हाँ, वो विलास को तो बिल्कुल नहीं देना। बाबा, हर घर में लड्डू क्यों नहीं देंगे? अब मुझे बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मीठा। और तुम्हें? मुझे तीखा पसंद है। तो लो, हो गया फैसला। जिन घरों में मीठा पसंद करते हैं हम लोग, उन्हीं घरों में लड्डू बांटेंगे। ठीक, जा। चलो भाव। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चे खुशी खुशी जाए और कुछ लोगों के रवैये से बच्चों को तकलीफ हो, लोगों लड्डू दुत्कार कर लौटा दें। मासी, मुझे भाई आया है। मासी, मुझे भाई आया है। चल, चलो। मासी, मुझे भाई आया है। चलो। भाऊ, वो लड़का हमें बहुत देर से देख रहा है,
उसे थोड़ी मिठाई दे दे क्या? नहीं, बाबा ने कहा है ना किस घर में मिठाई देनी है और किस घर में नहीं। लेकिन वो तो छोटा बच्चा है, एक मिठाई से क्या होगा, और वैसे भी वो घर के बाहर ही खड़ा है। अरे रुक, इसे नहला क्यों दिया? दिमाग में कूड़ा भर गया है इसके, इनके हाथ से मिठाई ले लिया था, जात धर्म सब मिट्टी करेगा। मना किया था ना इनके हाथ से कुछ मत लेना। यहाँ क्या कर रहे हो? बुआ तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। गजब का ढोंग है भाई, सामने आ गया तो सलूट मार रहे हो और अपने बच्चे को उनके घर की मिठाई नहीं खाने दे रहे हो। ये कैसी जात धर्म की प्रतिष्ठा है? सुनो, नौकरी के ओहदे में वो हमसे ऊपर है और समाज के ओहदे में हम उनसे कई गुना ज्यादा ऊपर। हमारी पत्नी ने जो किया वो सही था और हमने जो किया वो भी सही था, समझे? भाऊ, उन्होंने हमारी दी हुई मिठाई क्यों फेंक दी? बाबा ने बताया था ना, जिनको मीठा पसंद है उन्हीं घर में मिठाई देना, उनको मीठा पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने फेंक दी। चल। अरे देख बाला की माँ, कितना सुंदर बच्चा दिया तूने भाऊ को, बिल्कुल राजकुमार जैसा। बदले में सोने का हार लेना भाऊ से। आप भी ले लो, आप तो दो ले लो। और ले लो भाई। रामजी भाई। अरे भाई क्या हुआ? ये देखा आपने, डाक आया मेजर साहब के पास, देखिए ना क्या लिखा इसमें। देखा? तो मतलब ये अफवाह नहीं, सच है। अब गौरव की फौज में हमारे जात समाज की भर्ती नहीं होगी। कैसे कैसे? और जो पहले से भर्ती है उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन सुविधा साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मेजर साहब से बात करनी पड़ेगी। सरकार की कुछ अपनी पॉलिसीज होती है, समस्या होती है, सरकार चलाने के लिए कभी कभी कठिन फैसले करने पड़ते हैं। साहब मैं यहां लड़ाई लड़ने आया था, लेकिन आप लोगों को लगा कि मैं लड़ाई लड़ने से ज्यादा
कैंटोनमेंट के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ। इसलिए कंपनी सरकार ने मुझे टीचर ट्रेनिंग के लिए पूना भेज दिया और अपने स्कूल का हेड मास्टर बनाया। उस समय तक मेरी जात से किसी को कोई समस्या नहीं थी, फिर अब क्यों हो गई? अहुदा देखकर अहुदा छीना जा रहा है साहब, और वो भी बिना किसी कसूर के। चलो अच्छा है, अंग्रेजी राज को कुछ तो सद्बुद्धि आई। अब धीरे धीरे सारे लोग फौज से रिटायर हो जाएंगे और नई भर्ती इनके जाति समाज की नहीं होगी, और अभी इन्हें मजबूरी में सलाम भी नहीं ठोकना पड़ेगा। कसम से मेरा तो खून खोलता है, मन तो करता है कि अपने हाथ काट के फेंक दूं, पर क्या करें, पेट का सवाल है। आपकी नौकरी छूट जाएगी फिर कैसे चलेगा? मतलब बेटियों की शादी है, बेटों का रोजगार है, आप भीवा को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भीवा तो बच्चा है अभी, हम कैसे ये सब? जब ये वर्दी नहीं थी तो हिम्मत थी, जब ये वर्दी चली जाएगी तो भी हिम्मत रहेगी। तुम उनकी सोचो जिनकी सर्विस की उम्र रहते हुए भी उन्हें जबरदस्ती निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? नया नियम आया है, अब हमारे जैसे फौज में नहीं जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि अब हमारे जात समाज के लड़कों का क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी मां की चिंता जायज है, जब चिंता चिता की तरह सुलगने लगे तो चिंतन में जाना चाहिए। और तुम्हें पता है मेरे चिंतन का उचित मार्ग क्या है? तुकाराम जी के भजन और कबीरदास के दोहे। कबीरा लोहा एक है गढ़ने